हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हिंदी में बच्चों को, स्पेशली क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों को समान अर्थी शब्द, जिन्हें कि पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, एक जैसे शब्द भी कहते हैं, वो किस टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यूकेजी में और फर्स्ट में भी, उन्हें एक ड्रॉइंग बना दी जाती है और बच्चों को उस चित्र के लिए दो पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द लिखने होते हैं। जैसे सूरज के लिए ये सूरज और सूर्य। ओके, नेक्स्ट हमारी जो ड्राइंग है वो देखे, चांद की है तो चंदा, चांद या चंद्रमा। ओके, इट मीन्स एग्जाम में उनको ड्राइंग्स दी होंगी और दो ब्लैंक्स होंगे, उनको उस ड्राइंग के लिए दो शब्द लिखने होते हैं। ये देखिए, आकाश और आसमान। नेक्स्ट है पेड़ और वृक्ष। नेक्स्ट देखिए, सागर और समुद्र। अगला है पानी या फिर जल। यहां हम सिर्फ दो ही समानार्थी शब्दों की बात कर रहे हैं, कोई से भी दो उनके टीचर्स उन्हें जो लिखाएंगे या बुक में दिए हुए होंगे वो लिख सकते हैं। जैसे जल का नीर भी होता है, बट हम सिर्फ यहाँ दो ही लिख रहे हैं, इसलिए हम दो ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्र और चिट्ठी, घर या ग्रह। नेक्स्ट देखिए, पर्वत या पहाड़, पुस्तक या फिर किताब। इस टाइप से बहुत सारे और भी उनके बुक में दिए हुए हो सकते हैं ड्राइंग्स, जिनके कि उन्हें पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द लिखने होंगे। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द थे जो बच्चों से पूछे जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।